बिजली बिल के नाम पर ठगी ग्रामीण की शिकायत पर हुई जांच, अधिशासी अभियंता सहित चार बिजली अधिकारियों पर गिरी गाज। बिजली बिल को लेकर बिजली विभाग में क्या खेल चल रहा है, इसका एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सतर्कता विभाग ने ग्रामीण की शिकायत पर जांच की, जिसमें बिल के नाम पर ठगी की शिकायत सही निकली, जिसके बाद बिजली थाना घोषी में अधिशासी अभियंता सहित चार बिजली अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। एक साथ चार बिजली विभाग के चार बड़े अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होने से बिजली विभाग के दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे के बाद पुलिस विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि रानीपुर थाना के ग्राम खंडे रायपुर भरुकवा निवासी राज विजय पुत्र कोदई राम ने शिकायत थी, जिसमें अवर अभियंता विद्युत प्रदीप सिंह उनके साथी द्वारा शिकायतकर्ता को विद्युत बिल जमा कराने के नाम पर ठगी किए जाने सहित दूसरे आरोप लगाया गया। इस शिकायत की जांच उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सतर्कता विभाग लखनऊ की टीम द्वारा की गई, जिसमें आरोप के आधार पर शुक्रवार की देर शाम को बिजली थाना घोसी के निरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह द्वारा शहर कोतवाली में धारा 384 IPC व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अवर अभियंता प्रदीप सिंह, सहायक अभियंता मनोज कुमार, अधिशासी अभियंता मनोज कुमार और कार्यालय सहायक नर्वदेश्वर पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि इस मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर धनंजय मिश्र को सुपुर्द की गई।